कटरीना कैफ ने विकी कौशल से शादी क्या कर ली, लोगों ने उन पर ही सवाल खड़े कर दिए। कई लोगों को लग रहा है कि कटरीना ने विकी से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगती। इस बीच विकी और कटरीना की शादी के 6 दिन बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि शादी से पहले कटरीना ने विकी के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी, और जब विकी ने यह शर्त मानी तभी कटरीना उनसे शादी करने के लिए राजी हुई। दरअसल सलमान खान और रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कटरीना का प्यार से बिल्कुल भरोसा उठ गया था। कटरीना चाहकर भी विक्की पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। कटरीना को लग रहा था कि विक्की भी उन्हें सलमान और रणबीर की तरह छोड़कर चले जाएंगे। जब विक्की ने शादी का प्रस्ताव रखा तो कटरीना ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी कि विक्की भी सोच में पड़ गए। कटरीना ने कहा कि शादी के लिए उनकी सिर्फ एक ही शर्त है, वो ये कि शादी के बाद मेरे परिवार को भी वैसा प्यार करना पड़ेगा जैसा तुम मुझे करते हो। अगर मैं तुम्हारे घर की बहू बनूंगी तो तुम्हें भी मेरे घर का बेटा बनना पड़ेगा। ये बात सुनकर विकी को लगा कि कटरीना वही लड़की हैं जिनकी उन्हें तलाश थी, और इससे बेहतर उनके लिए कोई और नहीं हो सकता। विकी ने फटाफट शर्त मानी और सिर्फ 2 ही महीनों में दोनों ने शादी की तैयारियां कर डाली। शादी से पहले कटरीना की बहनें विकी से नहीं मिली थी, लेकिन शादी के वक्त जब वो विकी से मिली तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे विकी उनके अपने सगे भाई हों। कटरीना ने भी विकी के घर की बेटी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकी और कटरीना के साथ साथ उनका परिवार भी एक दूसरे के बंधन में बंध गया। फिलहाल आपको कैसी लगती है ये जोड़ी, हमें कमेंट में बताइए। और भी ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।